हेलो दोस्तों, जीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम पूरी तरह से डेड हो चुके लिथियम आयन सेल को कैसे प्रॉपर ढंग से रिपेयर करेंगे ये सीखेंगे। तो ये जो सेल है ये पुराने लैपटॉप की बैटरी से मैंने निकाला है और ये फुल डेड की कंडीशन में है, माने ये ना तो चार्ज हो रहा है और ना ही ये कोई आउटपुट दे रहा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके टर्मिनल की। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि नीचे प्लेन सरफेस जो है ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। इसकी पूरी बॉडी जो है सिलेंड्रिकल शेप में होती है और ये पूरी बॉडी जो है नेगेटिव होती है। और इसके ऊपर का कैप आप देख पा रहे होंगे, ये जो कैप साइड है ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है। मैं इसका वोल्टेज आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। 20 वोल्ट डीसी सेक्शन में मैंने मल्टीमीटर लगा लिया है। मल्टीमीटर की प्रोब से मैं इसका वोल्टेज जो है आपको टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि मल्टीमीटर कोई वैल्यू शो नहीं कर रहा है, यानी मल्टीमीटर 0-0 पे ही रुका हुआ है, कोई भी आउटपुट सेल द्वारा नहीं मिल रहा है मल्टीमीटर को। तो जो प्रोसेस है, पहले सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले इसके ऊपर का जो पॉजिटिव टर्मिनल का कैप है इसको हमें रिमूव करना है, यानी इसको हमें निकालना है। तो इसको निकालने के लिए इसमें आप होल देख पा रहे होंगे, इन होल्स में आपको स्क्रू ड्राइवर लगा के और इसको ऊपर की साइड में प्रेस करना है, जिससे कि इसका ये जो कैप है ये बाहर निकल आएगा। ये कहीं पे सोल्ड वगैरह नहीं होता है, केवल ये अटैच होता है थोड़ा सा, तो इसको आप आसानी से निकाल पाएंगे इन होल्स में आप स्क्रू ड्राइवर डाल के, और धीरे धीरे पहले इसको आप लूज कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैं इसको लूज करने की कोशिश कर रहा हूं, और जैसे ही ये लूज हो जाएगा फिर हम थोड़ा सा प्रेशर देके इसको बाहर निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे अब मैंने इस पे प्रेशर दिया है और ये जो कैप है ये निकल गया है। आप देख पा रहे हैं ये कैप बाहर निकल आया है और ये केवल टच रहता है, कहीं सोल्डरिंग वगैरह नहीं होती है। ये आप अंदर देख रहे होंगे एक डिस्क है एल्युमिनियम की, इसको भी हमने रिमूव कर दिया है। इसके बाद आप देख पाएंगे अंदर एक डिस्क और है, तो इसको रिमूव करने के लिए आपको बड़ी सावधानी से इसको रिमूव करना है, क्योंकि मेन सेल इसी से कनेक्ट रहता है। आप देख पा रहे होंगे अंदर से सेल का टर्मिनल जो है इससे कनेक्ट था। तो मैं सबसे पहले आपको इस पे वोल्टेज टेस्ट करके दिखा देता हूं कि इस पे हमें वोल्टेज शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मल्टीमीटर की प्रोब हम अटैच करते हैं तो आप देख पाएंगे कि ये लगभग 2 वोल्ट के करीब आउटपुट कर रहा है, यानी 2 वोल्ट आउटपुट दे रहा है। तो ये सेल जो है बिल्कुल ठीक कंडीशन में है, बस अब हमें इसका टर्मिनल बनाने की जरूरत है, और प्रॉपर ढंग से कैसे बनाना है यही मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो इस तरह के सेल जो होते हैं जब इनको शॉर्ट करते हैं हम कई दफे, या अपने आप ये शॉर्ट हो जाते हैं, या ओवर करंट फ्लो होने की वजह से इसके जो ऊपर का कैप है वो इसके मेन टर्मिनल के साथ कनेक्ट नहीं हो पाता है, ऐसी कंडीशन में ये सेल डेड हो जाते हैं। तो ना चार्जिंग शो करते हैं ना ही ये कोई आउटपुट देते हैं। आप देख पा रहे होंगे ये जो डिस्क है एल्युमिनियम की है, और ये डिस्क ऊपर के कैप के साथ केवल टच रहती है, और जब ये डिस्क इसके संपर्क से हट जाती है ऐसी कंडीशन में हमारा सेल जो है लिथियम आयन सेल डेड हो जाता है। तो शॉर्टिंग वगैरह होने की वजह से ऐसा हो जाता है। और अब हम इसका जो टर्मिनल है मेन टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल इस पे सोल्डरिंग करेंगे। तो ये टर्मिनल जो है ये एल्युमिनियम का होता है, इस पे सोल्डरिंग करना थोड़ा जटिल है, तो मैं इजी वे में आपको पूरा प्रोसेस समझा देता हूं। यहां पे ये जो टर्मिनल है इसको हम थोड़ा सा नीचे की साइड मोल्ड कर देंगे, इसके बाद ये लिक्विड एल्युमिनियम फ्लक्स आता है, इस फ्लक्स को थोड़ा सा इस टर्मिनल पे लगा के और फिर इस पे सोल्डर हम मेल्ट करेंगे सोल्डरिंग आयरन की मदद से। तो आप देख पाएंगे थोड़ा सा मैंने लिक्विड फ्लक्स लिया और इस टर्मिनल पे लगा दिया। अब हम सोल्डरिंग आयरन से इस पे मेल्ट सोल्डर इस पे चढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो ये आसानी से इसके टर्मिनल पे चढ़ जाता है, सोल्डर इसके टर्मिनल के साथ जुड़ जाता है, आप देख पा रहे होंगे। तो अच्छी तरीके से आपको इसका टर्मिनल जो है प्रॉपर ढंग से बना लेना है। इसके बाद आपको मुख्य चीज जो है मैं अब आपको बताने वाला हूं वो आप ध्यान से समझ लीजिए, जिस तरीके से मैं बताऊं उसी तरीके से आपको करना है। आपको क्या करना है कि इपॉक्सी आती है, एरालाइड बोलते हैं, 5 मिनट में ये हार्ड हो जाता है, इस तरह की इपॉक्सी आपको इस्तेमाल करनी है। इसमें 2 ट्यूब्स आती हैं, दोनों ट्यूब्स को आपको बराबर मात्रा में लेना है, और इन ट्यूब्स को आप बराबर मात्रा में लेके इसको अच्छी तरीके से आपस में मिला लेंगे। मैं अभी आपको दिखा देता हूं किस तरीके से आपको करना है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैं एक ट्यूब जो है उसको निकाल रहा हूं, और इसकी जो मात्रा है वो दूसरे ट्यूब की भी इतनी ही मात्रा हमको लेनी है। तो यहाँ पे आप अलग अलग दोनों ट्यूब्स को बराबर मात्रा में ले लेंगे, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि दोनों लगभग बराबर हैं। अब इसके बाद हम इसको अच्छी तरीके से मिक्सअप कर लेते हैं, तो इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, और ये 5 मिनट में हार्ड हो जाता है। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है कि अच्छी तरीके से मिक्स करना है, और फिर इसको जल्दी से आपको उसमें सेल में लगाना भी है। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है कि जो सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है वहां पे आपको एक पुराने वायर के ऊपर की पीवीसी निकाल लेनी है। आपको इसके अंदर होल दिख रहा होगा, ये होल जो है
ये होल हमारे लिए बहुत काम देगा। इसको हमें अंदर सेल के अंदर स्पेस जहां दिखे वहां पे अंदर अटैच कर देना है, जिससे कि इसके अंदर जब चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के टाइम पे जो भी गैसेस बनती हैं वो आराम से बाहर निकल सके। अब इसके बाद हम इपॉक्सी जो है इपॉक्सी ग्लू उसको प्रॉपर ढंग से इसमें चारों तरफ से फिलअप कर देंगे, क्योंकि इसमें अब अंदर से निकलने वाले गैस के लिए एक वेंट हमने बना दिया है पुराने वायर के पीवीसी के साथ, तो ये अब हम प्रॉपर ढंग से यूज कर पाएंगे। तो यहां पे आप देखेंगे कि इसमें मैं इपॉक्सी जो है अच्छी तरीके से फिलअप कर देता हूं। इसके बाद हम इसको 5 मिनट तक सूखने के लिए रख देंगे, और बाद में क्या आपको करना है मैं आपको बताता हूं। तो यहां पे इपॉक्सी जो है ये प्रॉपर ढंग से मैंने फिलअप कर दी है और इसको हम सूखने देते हैं, फिर हम देखते हैं कि क्या कंडीशन है। तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि दोनों सेल्स जो हैं इनमें इपॉक्सी मैंने भर दी है, और अब हम जो एक्स्ट्रा ये पीवीसी है इसको कट कर देंगे, तो इसका जो होल है अंदर से गैसेस निकलने के लिए बना रहेगा, जिससे कि ये एक्सप्लोड नहीं होंगे सेल और प्रॉपर ढंग से हम इसको यूज कर पाएंगे। तो चलिए इसके एक्स्ट्रा पार्ट जो है इनको हम कट कर देते हैं। तो यहां पे आप देख पाएंगे कि मैं इनके एक्स्ट्रा पार्ट जो है उनको कट कर रहा हूं। इस तरीके से आपको बिल्कुल पास से कट कर देना, जिससे सेल हम प्रॉपर ढंग से यूज कर पाए। और इसके टर्मिनल चूंकि हमने बना दिए हैं और टर्मिनल बिल्कुल सेपरेट और सेफ हैं, इनको हमने फिक्स कर लिया है, तो इस तरीके से आप जो लिथियम आयन सेल है उनको आसानी से घर पे ही दोबारा यूज होने लायक बना सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि इस वीडियो में आपको काफी कुछ नई जानकारी हुई है। तो आज के वीडियो में इतना ही। Thanks for watching. Have a nice day.